dear students, this is a class of petroleum geology for third semester petroleum engineering students. Last class में हमने already unit 3 हमने cover कर लिया था, ठीक है. आज की class में हम unit 4 start करने जा रहे हैं, ठीक है. unit 4 में हम क्या पढ़ेंगे, हम structural geology के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे आज की class में हम उसका introduction देखेंगे कि structural geology क्यों क्या होती है, ठीक है. इस branch में हम जो जियोलॉजी का जो ये ब्रांच है, ठीक है, इसके बारे में, इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ब्रांच को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के प्रस्पेक्टिव से, ठीक है. तो अब ये इसका लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट, ठीक है. जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी होती है, इट इज अ ब्रांच या इज द स्टडी ऑफ द थ्री डायमेंशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक यूनिट्स विद रेस्पेक्ट टू देयर डिफॉर्मेशन हिस्ट्रीज. ये क्या होता है कि हम जो रॉक यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब अब जो रॉक है, ठीक है, अब रॉक में बहुत सारे जो हमारे बेनिथ सरफेस, जो रॉक के सरफेस है, सब सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस भी हो सकते हैं. तो उस फोर्सेस के कारण जो रॉक की जो शेप्स होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की शेप्स जो ओरिजिनली बनी हुई है, या उनको बाद में जब वो फोर्स और ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं, तो ओरिजिनल शेप्स में जो डिफॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो उनकी शेप्स में जो मॉडिफिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, ठीक है. दिस इज अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजी, ठीक है. रॉक्स फॉर्म विद इट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन, ठीक है. जो भी रॉक्स फॉर्म हो रही है सरफेस पे या बिनिथ द सरफेस, ठीक है, सब सरफेस में जो भी रॉक्स फॉर्म हो रही है, वो उनके ड्यूरिंग उनके फॉर्मेशन और आफ्टर फॉर्मेशन में उनके जो डिफरेंट डिफरेंट उन पे जो स्ट्रेसेस या फोर्सेस अप्लाई होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस लगते हैं सब सरफेस में, तो उन फोर्सेस की वजह से जो उनके डिफॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं या जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में. तो इसमें क्या होता है, जो ये जो फोर्सेस है, उनकी इंटरेक्शन की वजह से ही जो फोर्सेस बेसिकली अप्लाई हो रहे हैं, उनकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है. तो यही जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं सब सरफेस में, वही एक मेन रीजन होता है, या एक जो रिस्पॉन्स इन्हीं की वजह से होता है, ये मेन जो रीजन होता है, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है जो रॉक पे अप्लाई होती है, ठीक है. तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी की हम अगर डेफिनेशन की बात करें, तो इसमें क्या कंबाइंड होता है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स विद द मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ दीस रॉक स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विश्ड एज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है. इस जियोलॉजी के ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जो रॉक्स है उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है उनका, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म के हम उनको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज रॉक स्ट्रक्चर्स, कि इन जो रॉक का जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुआ, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे इस तरीके से माउंटेन्स वाले स्ट्रक्चर्स जो सरफेस पे बन रहे हैं, कि कहीं पे वैलीज बन रही है, कहीं पे रॉक लेयर स्ट्रक्चर में है, कहीं पे जो लेयर स्ट्रक्चर पे उसमें स्ट्रेस की वजह से वो इस तरीके से डोम लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और कैसे कैसे हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है. तो अब बात आती है कि हमें बताते हैं कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, और ये तो अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि वाई वी आर स्टडी दिस ब्रांच, ठीक है, कि मतलब जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी है उसका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पर्सपेक्टिव क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो जैसे कि क्या होता है कि जो हम जैसे कि हमें पता है कि जो जैसे कि ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो रॉक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो हमें ऐसा जो जनरली जो आपका पेट्रोलियम क्रूड होता है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो सके ये ट्रैप हो सके, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे जो क्रूड ऑयल ट्रैप हो सके, यहाँ पे जो गैस है, ऑयल है, बॉटल है, ये ट्रैप हो सके, तो इस तरीके की जो ट्रैपिंग लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है, तो उनको हम वो किस वजह से बनती है, वो फोल्ड्स की वजह से, ठीक है. वहाँ पे कुछ फोल्ड्स भी होते हैं, वो भी जैसे कि अगर रॉक्स है, ठीक है, रॉक है उनके उसका डिफॉर्मेशन हो गया स्ट्रेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्ट्रेन में ही फॉर्म हो गई, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गई, नीचे आ गई, तो यहाँ पर भी इस तरह
क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ फ्लूड स्टोर हो सकता है। तो हमें बेसिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स है जो एक मतलब स्टोरेज दे सकती है, स्टोरेज प्रोवाइड कर सकती है क्रूड के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से, कि कहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो स्टोर होगा, ठीक है, कहाँ पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर इस तरीके की कंट्री में, जैसे हम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस तरीके की हमें अगर इस डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल जाए, अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स मिल जाए जैसे कि कुछ फोल्ड्स हैं ये रॉक्स नीचे हो रही है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स मिल जाए, तो हम वहाँ पे एक हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है फ्लूड की फाइंड आउट होने की, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रांच, ठीक है, हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं या इसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं और ये क्या होती है। नेक्स्ट हम इसके कुछ जो बेसिक आउटकम्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं, फोर्सेस की वजह से, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस उस पे अप्लाई हो रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो उसके कारण जो हमने जो स्ट्रक्चर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है वो बेसिकली क्या होती है, जब रॉक का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो जब फॉर्मेशन के टाइम जो उसकी जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वही क्लासिफाई होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बेसिक जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रॉक फॉर्म हो रही है, जैसे कि सेडिमेंट है, तो सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो डिपॉजिट होके उसके उसमें सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बेसिन में यहाँ आके ये डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इस डिपॉजिशन का प्रोसेस मतलब ये फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो इस फॉर्मेशन के प्रोसेस में जब इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब जो इसकी जो मेन एग्जाम्पल्स है वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन एंड लैमिनेशन जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ब्लॉक स्ट्रक्चर होती है सेडिमेंटरी रॉक्स की, या अगर हम इग्नियस रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है रॉक की वो इग्नियस रॉक्स का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो जो फॉलिएशन होता है जो उसकी सरफेस पे वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो दूसरा टाइप है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है, जब एक तो क्या हो गया उसका फॉर्मेशन हो गया, जब फॉर्मेशन के दौरान जो स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी होगा। अब फॉर्मेशन होने के बाद जब उसमें फोर्सेस लगते हैं या स्ट्रेसेस लगते हैं उनकी वजह से उनकी जो ओरिजिनल शेप है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, वो ओरिजिनल शेप डिफॉर्म हो गए। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर पहले ऐसे लेयर्ड थी, ठीक है, उसमें से फोर्सेस लगे, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं तो इस तरीके से बैंड हो गए, तो ये आफ्टर फॉर्मेशन इसमें जो स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन आएंगे उस तरह की उससे जो स्ट्रक्चर्स नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर डेवलप आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रॉक। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो मेन एग्जांपल्स है वो है फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड जॉइंटिंग। तो इनके बारे में हम जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोल्ड्स क्या होते हैं, फोल्ड क्या होते हैं, जॉइंटिंग क्या होती है, अनकन्फॉर्मिटीज क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में जो आपका जो यूनिट है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी उसके बारे में हम उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट है हम स्टडी करने वाले हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। जैसे ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ रॉक बताता है कि किसी रॉक में कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी, अब क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे स्ट्रेसेस अप्लाई होते हैं जो अंडरलाइन रॉक्स हैं, जो सबसरफेस पे रॉक्स हैं, तो उन स्ट्रेसेस को वो कैसे जो रॉक्स हैं वो कैसे बिहेव करती है उन स्ट्रेसेस के लगने पे, ठीक है। तो हम इसलिए जो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ अ रॉक। तो स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ अ रॉक में हम ये स्टडी करेंगे कि स्ट्रेसेस क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होता है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन क्रिएट होंगे, ठीक है, जो रॉक की जो स्ट्रक्चर डिफॉर्म होती है वो कितने टाइप से डिफॉर्म हो सकती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रेस के जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो रॉक कैसे बिहेव करती है और वो किस किस रीजन में हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ हम स्ट्रेस लगने पे जब जो रॉक का जो डक्टाइल बिहेवियर होता है, ब्रिटल बिहेवियर होता है, उसके बारे में स्टडी करने वाले आज की क्लास में। तो सबसे पहले कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई होता है, बस इन अ सिंपल लैंग्वेज किसी भी जो भी हमारी रॉक है उस रॉक पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम बेसिकली कह रहे हैं
अप्लाई हो रहा है वो जो रॉक पे जो लगने वाला स्ट्रेस है वही फोर्स है, ठीक है। तो जो फोर्स का जो यूनिट होता है इन ज्योलॉजी, स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्लेस्ड ऑन द रॉक, ठीक है। ये ज्योलॉजी में अगर हम बात करें तो कितना पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वही स्ट्रेस होता है, जो रॉक पे लग रहा है रॉक की पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो रॉक्स पे जो वर्क करते हैं, जो सब सर्फेस पे जो रॉक्स होती है उन पे जो स्ट्रेस वर्क करता है वो बेसिकली फोर टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर। फर्स्ट वन इज अ डीपली बरीड रॉक इज पुश्ड डाउन बाय द वेट ऑफ ऑल द मटेरियल अबव इट। Since the rock cannot move, it cannot deform. This is called confining stress. देखिए जो पहला वाला टाइप है वो आपका है confining stress. Confining stress क्या बोल रहा है कि अगर किसी रॉक पे, जैसे अब जैसे यहाँ पे अगर ये सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स हैं, तो यहाँ पे अब जैसे किसी रॉक पे अब क्या हो रहा है, इसपे ओवरलोड है, जो ऊपर वाले जो रॉक्स है उसके कारण जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, साइड से जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे रॉक ना कहीं ना ही तो ये डिफॉर्म हो पा रही है, ठीक है, और ना ही मोटा हो पा रही है। जैसे कि ये किसी रॉक है तो इसके ऊपर से ऊपर वाली जो रॉक्स है उनके कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं, साइड की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं, इस तरीके से जो चारों ओर से इसके इक्वली अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं या इस स्ट्रेसेस को हम कहते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रॉक का डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना ही वो मूव डाउन कर सकती है, बस जो ओवरलैप की वजह से जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसको हम कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। अब जो सेकंड टाइप का स्ट्रेस है वो है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन स्क्वीजेस रॉक टुगेदर कॉजिंग रॉक टू फोल्ड और फ्रैक्चर, ठीक है। तो क्या होगा जैसे कि अब ये हो गया था आपके कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस के बारे में बात करें, अब जो नेक्स्ट है आपका वो है कंप्रेशन। जैसे कि अब जैसे ये कोई लेयर है, ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो साइड फोर्सेस लग रहे हैं एक इस तरीके से डायरेक्शन में, तो ये फोर्सेस क्या करेंगे इस लेयर को डिफॉर्म करेंगे, ये इस तरीके की शेप आ जाएगी। तो इस तरीके के जो शेप्स की वजह से जो हो रहा है क्या हो रहा है रॉक्स टू फोल्ड और फ्रैक्चर, मतलब अगर बहुत ज्यादा ये प्रेशर लगा तो रॉक यहाँ से ब्रेक डाउन भी हो सकता है, इसका जो इसका एक्सेल प्ले होगा उसके अलावा इसका ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ये फोल्ड पे हो जाती है। तो इस तरीके की जो स्ट्रेस लगता है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेस। जो नेक्स्ट टाइप का आपका जो स्ट्रेस है वो है रॉक्स दैट आर पुल्ड अपार्ट आर अंडर टेंशन, ठीक है। जो फोर्थ जो थर्ड टाइप का स्ट्रेस है वो है टेंशन स्ट्रेस। टेंशनल स्ट्रेस में क्या होता है कि जो रॉक्स होती है, ठीक है, रॉक्स में क्या होगा कि अब इनके अपोजिट डायरेक्शन में ये पुल्ड अपार्ट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक प्लेन के अलावा इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रॉक में इस तरीके से ही पुल्ड डाउन हो रहा है, इसका जो रॉक ब्रेक हो गया इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका रॉक का, तो इसको हम कहते हैं टेंशनल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा या तो वो उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा या रॉक का ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट एंड फाइनल फोर्थ टाइप का जो स्ट्रेस है उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होता है व्हेन फोर्सेस आर पैरेलल बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड शियर, ठीक है। जैसे कि यहां पे आपको एक ब्लॉक है, ठीक है, ये रॉक का ब्लॉक है, तो इसमें अब वो एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब जब फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हो तो क्या होता है इस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, अगर पैरेलल मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके के जो फोर्स को या स्ट्रेस को हम कहते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो फोर टाइप के मेन स्ट्रेस जो वर्क करते हैं रॉक मटेरियल पे वो हमने स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी रॉक कैसे बिहेव करते हैं जब हम उस पे ना जो स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज करते जाए, अगर स्ट्रेस का अमाउंट, तो रॉक कैसे बिहेव करेगी और उसमें डिफॉर्मेशन कैसे होते हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट आपका क्या है स्ट्रेस बिहेवियर ऑफ अ रॉक, तो हम देख रहे हैं जैसे कि ग्राफ आपको दिख रहा है स्ट्रेसेस कॉजेस अ मटेरियल टू चेंज शेप इट हैज अंडरगॉन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन। देखो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब होता है डिफॉर्मेशन, कि उसका जो जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने स्ट्रेस लगाया, मतलब स्ट्रेस मतलब फोर्स लगाया, ठीक है। तो फोर्स लगने के कारण उसकी जो स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन आया उसको हम कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन को हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है। अगर फोर्स लगने के कारण जब हमने फोर्स अप्लाई किया किसी भी रॉक मटेरियल पे और उसके कारण उसकी रॉक में जो डिफॉर्मेशन आए,
ठीक है, या जो इसकी रॉक में जो चेंजेस आए उसको हम कहते हैं स्ट्रे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस अप्लाई करने पे जो रॉक है वो कैसे बिहेव करती है, उसको डिफॉर्म कैसे होती है। ठीक है, सो रॉक्स हैव थ्री पॉसिबल रिस्पॉन्सेस टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस। ठीक है, जब हम जैसे अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम बिहेवियर देखेंगे, जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और तो उसका डिफॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये थ्री टाइप से डिफॉर्म हो सकती है। सबसे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जैसे कि आप एक ग्राफ देख रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पहले क्या कर रहे हैं, जो आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं पहले भी क्या हो रहा है, देखो ये जो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी मटेरियल पे, क्या कर रहे हैं हम स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो आपका स्ट्रेन है मतलब जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ये पैरेलली जो प्रोपोर्शनली बिहेव कर रहा है एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो आपका ये वाला रीजन है जहां तक कि एज अ स्ट्रेट लाइन वर्क करता है उसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। तो ये जो सबसे पहला वाला डिफॉर्मेशन है वो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्ट्रेस अप्लाई करने पे। ठीक है, द रॉक रिटर्न्स टू, इसमें क्या होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में द रॉक रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। ठीक है, इस इलास्टिक रीजन में क्या होता है, जैसे हम अब क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया जो रॉक है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। अब इस पे हमने किसी भी पॉइंट पे जब स्ट्रेस को हमने उस पे हटा दिया, स्ट्रेस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, तो जो जो रॉक का जो ओरिजिनल शेप था वो वापस उसी शेप में आ जाएगी। इसलिए हम इस बिहेवियर को कह रहे हैं इलास्टिक। ठीक है, ये इलास्टिक बिहेवियर है और इस जो ये जो कंप्लीट जो यहाँ तक का जो रीजन है उसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन, और इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसमें क्या होगा रॉक वापस अपने ओरिजिनल, जब हमने स्ट्रेस हटा दिया तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप का डिफॉर्मेशन है वो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, हमने क्या किया, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो जो इसका रीजन है वो चेंज हो जाएगा। ये कौन सा रीजन आ जाएगा, प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है कि जो जो हम अगर अब इस रीजन में आके अगर हमने स्ट्रेस हटाया तो जो रॉक थी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। अब जो स्ट्रेस की वजह से जो उसका डिफॉर्मेशन हुआ है उसी शेप में रहेगी, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। ये एक तरीके का इलास्टिक बिहेवियर भी हम कह सकते हैं। तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो कह रहा है द रॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। इन सिंपल लैंग्वेज हमने स्ट्रेस इलास्टिक में तो क्या हो रहा था, हमने स्ट्रेस हटाया जैसे वो वापस अपने शेप में आ गई, लेकिन हमने एक पॉइंट के बाद अगर इसका स्ट्रेस और बढ़ाया तो ये प्लास्टिक रीजन में आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि हमने स्ट्रेस हटाया तो जो रॉक है वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमने रीजन पढ़ने, एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो थर्ड टाइप होता है वो एट लास्ट होता है फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर क्या करेगा, जैसे अब हमने क्या किया, हमने स्ट्रेस और बढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, रॉक का ब्रेकडाउन हो जाएगा, रॉक टूट जाएगी। तो फ्रैक्चर क्या हो रहा है, द रॉक ब्रेक्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आगे स्ट्रेस अप्लाई करने पे रॉक होती है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रेन और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप कैसे कैसे वर्क करता है। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो रॉक मटेरियल है वो किस तरीके से डिफॉर्म होगी और कैसे बिहेव करेगी स्ट्रेस अप्लाई करने के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके हमने इस पॉइंट से ज्यादा अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो रॉक का कंप्लीट उसमें फ्रैक्चर्स आ जाएंगे, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्ट्रेस अप्लाई करने के साथ क्या होगा, इसमें इसका आप स्ट्रेस के बिहेवियर को हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो मटेरियल है वो कैसे जो ब्रिटल है या डक्टाइल है, इसको भी हम स्ट्रेन एंड स्ट्रेस से समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिटल एंड डक्टाइल डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक। ठीक है, ये एक तरीके का ये भी स्ट्रेस पे वर्क करता है कि जो अगर हम कहते हैं कि ये जो कोई भी मटेरियल है वो ब्रिटल है या वो डक्टाइल है, तो ब्रिटल और डक्टाइल में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली हमें वो समझना होगा। तो जो ब्रिटल होते हैं, जो जैसे कि हम कहते हैं कि कोई मटेरियल है वो ब्रिटल है। ठीक है, ब्रिटल मतलब क्या होता है, जो इजीली टूट जाता है। ठीक है, तो अगर हमने किसी रॉक मटेरियल पे क्या किया, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया। ठीक है, स्ट्रेस मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे कोई रॉक मटेरियल है उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई होने में क्या होगा, ये टुकड़ों टुकड़ों में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये टूट जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में। इस तरीके के जो मटेरियल को हम कहते हैं, ये जो बिहेवियर है वो है ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटल टाइप का मटेरियल है।
अब देखो डक्टाइल में क्या होता है, डक्टाइल में क्या, अब ब्रिटल में तो क्या होता है, हमने फोर्स अप्लाई किया और जो वो जो जो रॉ मटेरियल था वो टूट गया, वो ब्रेक डाउन हो गया, तो इस नेचर को हम कहते हैं ब्रिटल नेचर। ठीक है, अब जो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल टाइप ऑफ मटेरियल क्या होते हैं कि अगर हमने उन पे फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई होने पे क्या होंगे, जैसे ये जो डक्टाइल बिहेवियर है उस पे क्या होगा कि जो जो आपका मटेरियल है वो या तो फ्लो करने लगेगा या बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं, या तो फ्लो करने लगेगा, अब इससे तो क्या हो रहा था, जो ब्रिटल थे वो तो टूट जा रहा था पूरा मटेरियल, डक्टाइल में क्या होगा फोर्स अप्लाई करने पे या तो वो जो जो रॉ मटेरियल होगा वो फ्लो करने लगेगा या तो बैंड हो जाएगा। तो इसका जो मेन एग्जांपल है हम क्ले के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो क्ले और जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले पढ़ते हैं जियोलॉजी में, तो क्ले में क्ले का कैसे बिहेवियर होता है, अगर हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया बहुत ज्यादा तो वो या तो फ्लो होगी या वो उसमें एक बैंडिंग टेंडेंसी आ जाएगी। तो ये जो नेचर होता है उसको हम कहते हैं डक्टाइल नेचर ऑफ अ मटेरियल। तो वी कैन डिवाइड मटेरियल इनटू टू क्लासेस दैट डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। ठीक है, कि हमने जो मटेरियल है उसको डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक तो ब्रिटल और एक डक्टाइल। किसके बेसिस पे, कि उनका जो स्ट्रेस के जो हमने जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करना है तो उसके अंदर इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि जो सबसे पहले है आपका ब्रिटल मटेरियल, जो कि क्या होता है इजीली ब्रेकेबल हो जाता है, पार्टिकल्स में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल्स हैव अ स्मॉल और लार्ज रीजन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर बट ओनली अ स्मॉल रीजन ऑफ डक्टाइल बिहेवियर बिफोर द फ्रैक्चर। ठीक है, जो आपका पहला जो आपका ये ग्राफ देखते हो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे तो ये क्या बोल रहा है कि ब्रिटल मटेरियल का जो इलास्टिक वाला रीजन होता है, ठीक है, जो हमने स्ट्रेट लाइन वाला रीजन होता है या स्मॉल भी हो सकता है या लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसका ये जो डक्टाइल वाला रीजन है जिसको हम क्या कहते हैं प्लास्टिक रीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डक्टाइल वाला रीजन है वो क्या होता है जनरली स्मॉल होता है जो ब्रिटल मटेरियल्स है उनके केस में, जैसे जैसे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो अंडर स्ट्रेस ही इस तरीके से वर्क करते हैं और फिर उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट जो हमारे डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होता है, दे हैव अ स्मॉल रीजन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर एंड अ लार्ज रीजन ऑफ डक्टाइल बिहेवियर। ठीक है, जैसे इसमें जो डक्टाइल बिहेवियर है जो प्लास्टिक रीजन का बिहेवियर था वो था स्मॉल, लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उसमें जो ये प्लास्टिक रीजन होता है वो होता है लार्ज रीजन होता है। ठीक है, इसको हम डक्टाइल रीजन भी कह सकते हैं या प्लास्टिक रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा उसका जो साइज रहता है वो लार्ज रहता है, किसके कंपैरिजन में, जो ये आपका इलास्टिक रीजन होता है वो स्मॉल रहता है। ठीक है, तो ये जो मेन डिफरेंस था स्ट्रेस के अंदर में ब्रिटल मटेरियल में और डक्टाइल मटेरियल में। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में हमने देखा कि जो पेट्रोलियम सॉरी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी होता है वो क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव से, और उसके बाद में हमने जो रॉक का जो स्ट्रेंथ बिहेवियर था उसके हमने कंसेप्ट देखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हाँ जो इसकी जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि टिप एंड स्ट्राइक है, फोल्ड है, तो उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।